हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी 2 मीटर में नायरा कट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, अगर आपके भी पास 2 मीटर फैब्रिक है और आप उसमें ये ट्रेंडिंग नायरा कुर्ती बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना होगा। अब देखिए, ये कुर्ती मैं समर्स डेली यूज़ के लिए बना रही हूँ। आप पार्टी वेयर बना सकते हैं या फिर इस तरह से डेली यूज़ के लिए बना सकते हैं। बस फैब्रिक आपको अपनी पसंद का लेना होगा। आप इसको कॉटन में बना सकते हैं, जॉर्जेट पे बना सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक। अब कुर्ती का मेजरमेंट जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद कुर्ती बनाने के लिए हमने 2 मीटर डिज़ाइनर रियॉन फैब्रिक लिया है। तो मैं समर्स के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ये रियॉन फैब्रिक लिया है। बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट फैब्रिक होता है। इसके ऊपर रेशम और सीक्वेंस वर्क है। सो हल्का हल्का इस पर वर्क है जो काफ़ी डिज़ाइनर लुक दे रहा है। इसके बाद देखिए, ये अरज़ वाली साइड है जिधर से धागे निकलते हैं। सो इसकी अरज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से अरज़ चेक करने के बाद जो इसका अरज़ है वो 43 इंच है। तो ये नॉर्मल विड्थ है, ज़्यादा विड्थ नहीं है। तो यहाँ मैं आपको अपने फैब्रिक की डायमेंशन दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि मैंने ये कुर्ती सिर्फ 2 मीटर में बनाई है। इसके बाद देखिए, मैं इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। तो किनारे वाली साइड को हमने अभी डबल फोल्ड कर रखा है क्योंकि ये 2 मीटर है। तो इस तरह से किनारे वाली साइड को हमने डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 39.5 इंच है। यानी ये पूरा हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। तो आपको मैंने फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई दिखा दी है कि ये फैब्रिक सिर्फ 2 मीटर है। अब 2 मीटर में हमने कुर्ती कैसे बनानी है। सबसे पहले हम कुर्ती का अपर पार्ट कट करेंगे। तो किनारे वाली साइड से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे, इसके बाद हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने अपना बस्ट साइज़ देखना है। जितना भी हमारा बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 से 2 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद लगभग 11.25 इंच इसकी विड्थ आ रही है। तो 9 इंच पर मैं बस्ट बनाऊंगी। आगे हमारा ये मार्जिन आ गया है। अब यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ ले लेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ आपको जितनी भी रेडी चाहिए उससे 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं 16 इंच पर इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर 15 इंच पर ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। तो इसको 16 इंच पर हमने सीधा मार्क करके कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए, ये हमारा टॉप पार्ट हो गया। अब नीचे जो फैब्रिक बचा है इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है क्योंकि हम इसमें फ्लेयर बनाएंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी कुर्ती का फ्लेयर होगा ये इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे फ्लेयर की लेंथ है। अब यहाँ आप चेक कर लीजिए आपको कुर्ती की लेंथ कितनी चाहिए। पहले आप अपने टॉप पार्ट की लेंथ देख लीजिए। तो देखिए, ये 15 इंच पर रेडी होगा और इसमें से हमने 15 इंच माइनस कर दिया। अब यहाँ नीचे हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ आ गई है। 2 इंच इसमें से मार्जिन चला जाएगा तो लगभग ये हमारा 29 इंच पर घेरा रेडी होगा। तो अभी फ़िलहाल घेरे की जो लेंथ है वो 31 इंच है। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड देखिए हमने अपने हिप के हिसाब से करना है। जितना भी हमारा हिप है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 6 से 7 इंच ऐड कर लेंगे। तो मैंने 15 इंच पर इसको फ़ोल्ड किया है। आप 20 इंच तक इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आपके कपड़े की जो अरज़ है वो ज़्यादा है तो आप इसकी चौड़ाई और ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने घेरे की जो चौड़ाई है वो 15 इंच पर 4 फोल्ड कर लिया है। आगे की तरफ ये जो फैब्रिक बचा है इसको कट करके निकाल देंगे क्योंकि इसमें से हमने अपनी स्लीव बनानी है। तो ये वाला जो फैब्रिक है ये हमारा स्लीव के लिए यूज़ होगा। अब देखिए, कपड़े को मैंने 3 जगह डिवाइड कर लिया है 2 मीटर में से, जिसमें से हमने टॉप पार्ट निकाला और फ्लेयर पार्ट निकाला। इसके बाद ये हमारा स्लीव हो गया। तो 2 मीटर फैब्रिक को 3 जगह इस तरह से पहले डिवाइड कर लेना है, इसके बाद हमने मार्किंग करनी है। अब मैं आपको टॉप पार्ट और फ्लेयर की लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ। टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो मैंने 16 इंच कट की है, 15 इंच पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद फ्लेयर की जो लेंथ है वो 31 इंच ली है मैंने। 2 इंच इसमें से मार्जिन चला जाएगा और 29 इंच के अराउंड ये रेडी हो जाएगा। टॉप पार्ट की चौड़ाई मैंने 11 इंच ली है। 9 इंच पर इसका बस्ट आएगा तो आगे जो हमारा एक्स्ट्रा होगा वो मार्जिन में आ गया है। इसके बाद हमारे फ्लेयर की जो चौड़ाई है वो मैंने 15 इंच ली है। आप इसकी चौड़ाई 20 इंच भी ले सकते हैं अगर आपके कपड़े का रस ज़्यादा है। अब यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच। नेक की विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ। 1/2 इंच यहाँ से कंधी डाउन करेंगे। इसके बाद आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंच। तो पहले हमने सीधा मार्क करना है और 1 मार्क ऊपर मिला देना है इस तरह से। इसके बाद हमने अपना बस्ट का 4 पार्ट मार्क करना है। तो मैं 9 इंच पर बस्ट बना रही हूँ और ये हमारा आगे की तरफ हो गया मार्जिन। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद नीचे से कमर का 4 पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं कमर का जो मार्क है वो 8 इंच पर करूँगी। अब दोनों पॉइंट को हमने लाइनअप कर देना है और आगे की तरफ हम 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरह से।
आप देखिए कमर में हमने जो प्लेट्स डाली हैं वो कितनी लेंथ पर डाली हैं। सो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करूँगी जहाँ तक हमारी प्लेट्स आएंगी, यानी हाफ में 15 है और खुल के ये 10 इंच की लंबाई पर फ्रंट में प्लेट्स आएंगे और इतना ये प्लेन सिलेगा और यहाँ प्लेट्स आएंगी। सो ये कुछ इस तरह से प्लेट्स के साथ इतने एरिया में अटैच होगा इस तरह से, और ये इतना फैब्रिक हमारा मार्जिन और स्ट्रेट सिल जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा मार्जिन वाला मार्क है एक इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने यहाँ 5 इंच पर लाकर मिला देना है। सो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने बैक आर्म होल पर इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं नेक फैब्रिक पर बना रही हूँ, तो इसके प्लाजो का फैब्रिक था जो बचा हुआ था। सो इसको मैं फोर फोल्ड करके रखूँगी, दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रखेंगे और ओपन साइड एक तरफ। इसके बाद नेक की विड्थ हम 3 इंच लेंगे और बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं 4 इंच लूँगी। फ्रंट नेक की लेंथ जो है वो मैं 5.5 इंच लूँगी। तो नेक की लेंथ और विड्थ आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। और मैं फैब्रिक पर बना रही हूँ, आप चाहें तो नेक को कैनवास पर भी बना सकते हैं। इसके बाद नेक की शेप दे देंगे, नेक की शेप आप चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद बैक नेक की जो स्ट्रिप है उसकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच लेकर कट कर देंगे। तो इसमें से एक पार्ट निकाल देंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 1.5 इंच लूँगी और इस तरह से नेक स्ट्रिप कट कर दूँगी। तो ये हमारी बैक नेक की स्ट्रिप होगी। अब इसमें से एक टॉप पार्ट निकाल लेंगे जो हमारा बैक वाला पार्ट बनेगा। इसके बाद इसको दोबारा से फोल्ड करके रखेंगे, जिसमें हमने नेक की और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी होगी इस तरह से। तो लीजिए फ्रंट नेक और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर दी है। इसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने अपना नेक फिनिश कर लेना है। तो नेक स्ट्रिप को हम टॉप पार्ट की राइट साइड में रखेंगे और यहाँ से एक पैर की सिलाई करते हुए पूरे नेक में गोलाई में सिलाई करेंगे। इसके बाद छोटे छोटे कट लगाकर इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। नेक फिनिश करने के बाद आप चाहें तो फ्लेयर को टॉप पार्ट के साथ अटैच कर सकते हैं इस तरह से। सो एक टॉप पार्ट मैं और फ्लेयर हटा देती हूँ और एक को आपको दिखा देती हूँ। तो आप इसको इस तरह से प्लेट्स के साथ अटैच कर दीजिए। तो जहाँ हमने 10 इंच पर मार्क किया था सेंटर का, यहाँ तक प्लेट्स आएंगी। सो कुछ इस तरह से आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद हमने स्लीव कट करनी है। तो फैब्रिक देख सकते हैं आप, ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। तो पहले मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी लेंथ वाइज, इसके बाद विड्थ वाइज इसको फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए कपड़े की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है बट चौड़ाई हमारी कम है, तो चौड़ाई में हमने फैब्रिक थोड़ा सा इसी में से जोड़ना है। तो पहले हमने इसको लेंथ में इस तरह से फोल्ड करके चौड़ाई में फोर फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव की लेंथ लेंगे। तो स्लीव की लेंथ मैं लगभग 20 या 19 इंच पर कट कर लूँगी। तो मैंने 19 इंच पर इसको सीधा मार्क करके कट कर लेना है। अब पीछे की तरफ जो फैब्रिक बचा है ये हमने चौड़ाई में ऐड करना है, तो इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे लेंथ वाइज, इसके बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 कलियाँ मैं आर्म होल की साइड में डालूँगी जिससे हमारे आर्म होल की चौड़ाई बढ़ जाएगी इस तरह से। अब देखिए आर्म होल की जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच आ गई है और यहाँ से हमारी स्लीव ओपनिंग आ जाएगी 6 इंच। तो 6 इंच पर हमने मार्क करना है। इसके बाद आर्म होल के लिए यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से भी तिरछा करके हमने 3 इंच पर मार्क करना है। अब इन दोनों मार्क को आर्म होल की शेप देते हुए मिला देंगे और नीचे से जो हमारी ये वाली शेप है इसको भी ड्रॉ कर देंगे। सो हमारी इस तरह से सिंपल स्लीव की मार्किंग हो जाएगी। तो लीजिए स्लीव की मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर अपना नेक भी फिनिश कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा नेक फिनिश हो गया है और इसी तरह से मैंने अपना बैक वाला नेक भी फिनिश कर लिया था। बस बैक नेक की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया है, पहले हमने शोल्डर ज्वाइन करना है, उसके बाद हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमारा शोल्डर ज्वाइन हो जाएगा। बैक नेक की पट्टी को फ्रंट में लाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर यहाँ सिलाई लगानी है। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमारी स्लीव थी उसमें हमने नीचे की तरफ जो कलियाँ डाली थी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने एक स्लीव में 2-2 कलियाँ करके सिल ली हैं जिससे हमारा आर्म होल की चौड़ाई बढ़ गई है और स्लीव ओपनिंग भी फोल्ड कर ली है। अब स्लीव में फिटिंग लगाकर हम अपने टॉप पार्ट से अटैच कर देंगे, या फिर आप चाहे तो इसको ओपन करके भी स्लीव लगा सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें फिटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से हम दोनों स्लीव लगाकर टॉप पार्ट में अटैच करेंगे और उसके बाद हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है।
तो मैं पहले कंधी ज्वाइन करके फिटिंग लगाऊंगी एंड उसके बाद मैं इसकी दोनों स्लीव लगा दूंगी। अगर आप फिटिंग के बाद स्लीव नहीं लगा सकते तो कंधी ज्वाइन करने के बाद आप स्लीव लगा दें, इसके बाद इसकी फिटिंग कर लें। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब टॉप पार्ट को हमने फ्लेयर के साथ अटैच करना है। सो यहाँ पर मैंने दोनों फ्लेयर को तीनों साइड से डबल फोल्ड करके सिल लिया है। तो एक मैं इसमें से हटा देती हूँ और एक मैं आपको लगा कर दिखाऊँगी। तो देखिए, इसको तीनों साइड से मैंने हेम कर लिया है और जिस साइड से नहीं किया है उसी साइड से हम इसको टॉप पार्ट से अटैच करेंगे। तो दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से। अब यहाँ से सेंटर मिलाकर रखेंगे। इसके बाद देखिए, ये हमारे टॉप पार्ट की फिटिंग वाली साइड से मिलाकर रखेंगे एंड यहाँ हमने देखिए जो नॉच लगाया था यानी 5 इंच का, यहाँ तक हमने इसको सीधा सिलना है। इसके बाद यहाँ से हमने छोटी छोटी प्लेट्स डाली हैं, ये इस साइड में 5 इंच रहेगा और इस साइड में भी ये यहाँ से सीधा सिल के 5 इंच रहेगा। तो सेंटर में हमने 10 इंच पर ये प्लेट्स डाली हैं, बाकी साइड में जितना भी हमारा सीधा सिलेगा उसको सिल देंगे एंड इसी तरह से हम इसका बैक वाला पार्ट भी अटैच कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो फ्रंट और बैक के जो फ्लेयर हैं ये दोनों बराबर हैं, कोई भी किसी भी साइड अटैच कर सकते हैं हम। तो दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इसकी रॉन्ग साइड है, अंदर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ इतना साइड हमारा बिल्कुल सीधा सिला है दोनों तरफ और सेंटर में हमने ये प्लेट्स डाली हैं। प्लेट्स हमारी 10 इंच की लेंथ पर आई हैं। अब ये देखिए, ये हमारे स्लिट्स हैं कमर तक। अब रही बात स्लिट्स की, अगर आपको ये स्लिट्स ऐसा लगता है कि यहाँ से आपका कमर वाला पोर्शन दिखेगा तो आप ये स्लिट्स 3 से 4 इंच बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसको इस तरह से सिलाई लगाकर बंद कर सकते हैं। इनको बंद कैसे करना होगा उसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर ये नायरा कट वीडियो दिखाई है जिसमें मैंने स्लिट्स को थोड़ा सा नीचे रखा है, या फिर आप मेरी आलिया कट कुर्ती देख लीजिए, उसमें भी मैंने ये साइड के स्लिट्स थोड़े छोटे रखे हैं। सो इस तरह से हमारी जो कुर्ती है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आप नायरा कुर्ती के और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर कुर्ती प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कीजिए या आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी मेरी वीडियो चेक कर लीजिए। काफ़ी नायरा स्टाइल मैंने अलग अलग फैब्रिक के साथ अलग अलग डिज़ाइन के साथ शेयर कर रखा है, वहाँ से आपको और ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करने के लिए। और अगर आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो इस वीडियो का जो लिंक है यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप ये अम्ब्रेला प्लाजो की वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।